आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम मानसर लेक पे हैं और मानसर लेक किन्ना किन्ना बेच दियो किन्ना किन्ना आटा बहन कितने देना आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम मानसर लेक पे हैं और मानसर लेक पे आने का हमारा जो कारण है वो आपको जो व्यू है मानसर लेक का वो दिखाना है। आपने काफ़ी बार पहले भी देखा होगा लेकिन इस कोरोना के चलते जो है आप यहाँ पे नहीं आ पाए होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको परमिशन नहीं दी होगी। और यहाँ पे आने का जो हमारा मेन कारण था वो ये था कि यहाँ के जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो इस पे निर्भर हैं, जो टूरिस्ट पे निर्भर हैं, उनसे हम बात करें और जाने कि क्या नुकसान जो हैं उनको इस COVID-19 के चलते यहाँ पर हुए हैं, जिस वजह से COVID-19 की वजह से जो ये पार्क बंद रहा था। और कहीं ना कहीं जो है अब तैयारियाँ चल रही हैं टूरिस्ट प्लेसेस को खोलने की। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत भी की और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है सबसे पहले आपका और कहां से आप आए हैं और क्या कहना चाहेंगे इस प्लेस के बारे में? सर मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं यहां का लोकल ही हूं। तो आज 5-6 महीने हो गए यहां पर, सब देखो पूरा ठप पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने लोन लेके जो अपनी दुकानें चला रहे थे वो तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो आप कहाँ से इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई रेडी वाला होता था, कोई गोलगफ्फा वाला होता था, जो वो दिन को क्या लेते थे, पैसे लेते थे, आटा लेते थे और शाम को वो खाते थे, उनका सारा रोज़गार ठप हो गया है। और जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से उन लोगों को कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। मीन्स आप इंटरेस्ट तो ले रहे हो लेकिन जो पैसा है वो आप यहाँ पर सप्लाई नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी है वो वन वे हो गया है कि सिर्फ आप पैसा ले रहे हो, लोगों को दे नहीं रहे हो। जी जी, तो यहाँ पे जो बिज़नेस करने वाले लोग थे उनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। कुछ दुकानदार हैं, कुछ जो होटल वाले हैं, ढाबाज वाले हैं, उनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। जिस तरह से आपने कहा कंपनसेशन, उनके द्वारा भी ये बात कही गई कि कंपनसेशन जो है उनको मिलना चाहिए और इस पार्क को जो है जल्दी से जल्दी खोला जाना चाहिए, तो क्या मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जल्दी से जल्दी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मैं यही मांग करूँगा कि यहाँ का जो लोकल है वो सारा इस पर, आप देखो यहाँ की जो लोकल की जो इकोनॉमी है ना वो सारी की सारी यहाँ पर निर्भर है। कोई यहाँ पर आटा बेचता था, कोई यहाँ पर रेडी की लेडी वो लगाई है, कोई यहाँ पर कुलचा लगाता था, वो लोग आज सारे घरों में बंधे हुए हैं और किसी से उधार ले रहे हैं, ठीक है। और जो आपको उधार देगा वो इंटरेस्ट भी तो पे करेगा ना। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है कि एक किस्म का जो बंधुआ मजदूर है वो इन लोगों को बना के रख दिया है। तो मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस जो ये जो मुद्दा है इस पर कार्रवाई करे और ये जो जितने भी टूरिस्ट हैं उनको अलाउ करे ताकि जो यहाँ की जो इकॉनमी है वो फिर से पटरी पर आ जाए। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और हम कोशिश करेंगे यहाँ के बाकी सारे जो बिज़नेस जो लोग करते हैं, जो ढाबाज लगाते हैं, जो रेड़ी फड़ी लगाते हैं, उनसे भी हम बात करें और जानने की कोशिश करें कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। विनोद कुमार शर्मा। विनोद जी कितना समय हो गया आपको यहाँ पर दुकान करते है? सर मेरी तो जन्मभूमि यही है तो कम से कम भी 15 साल हो गया मेरे को दुकान करते हुए। जो हालत आप आज देख रहे हैं इस तरह की हालत को भी पीछे देखे आपने? नहीं, हमने कभी नहीं देखा ऐसा। क्या मांग करते हैं आप और कितना जो लॉस है वो हुआ है आपको यहाँ? देखो लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट कहाँ है। 5-5.5 महीने हो गए हमें बंद किए हुए, तो आज तक तो अभी तक भी नहीं खुला है ये। दुकानें जो हैं आपने खोली हैं तो किस उम्मीद से खोली हैं, क्या लग रहा है आपको कोई कस्टमर आएगा यहाँ पे? इसी उम्मीद से खोली हैं कि कस्टमर आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, ये पार्क ही बंद कर रखा है ये। क्या कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का, कब तक खुलेगा पार्क? देखो हमारी तहसीलदार से भी बात हुई थी, नायब तहसीलदार से भी बात हुई थी और ACDR भी आए हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि आज के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि तहसीलदार को कि ये जहाँ के जो चौकी अफसर हैं और SMDA के CEO साहब हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे मीटिंग कर आपको ये सोशल डिस्टेंस के माध्यम से ये आपकी दुकानें ये खुली जाएंगी आज की डेट में। जी जी, क्या कारण रहे नहीं खुले अभी तक? तो देखो सुनने में ये आया था कि 12 बजे मीटिंग है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा, तो अभी तक तो हमें कोई पता नहीं चला है। क्या उम्मीद करते हैं आप, पहले जैसा कारोबार जो है यहाँ पे हो जाएगा? सर उम्मीद तो है,
उम्मीद पर ही इंसान जीता है। तो अगर खोला जाए तो लोकल टूरिस्ट ही आएगा बाहर से, नहीं तो हदूमपुर हो गया, जम्मू हो गया, कठुआ हो गया, इनको तो आने दें यहाँ, इनको कौन सा कोरोना खा रहा है। अगर सिटी में इतना भीड़ है तो मानसर में भी होनी चाहिए। चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो आने दो, जो परिक्रमा करता है या जो भी देवस्थान के लिहाज से आता है यहाँ, उनको तो आने दो, उनको भी मना कर देते हैं जी। तो आप क्या मांग करेंगे, जिस तरह से आपके बाकी जो साथी थे उन्होंने कंपनसेशन की मांग की है, तो आपके द्वारा क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करेंगे? सर हम यही मांग करते हैं कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए ये भी दुकानें खोली जाएं और ये पार्क भी खोला जाए। क्या नाम आपको? रमेश सिंह जी। रमेश सिंह रमेश जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे दुकान करते हुए? मैंने हो गया होगा 5 साल। 5 साल हो गए, तो पिछले 5 साल में आपने इस तरह के हालात कभी देखे? ये तो पहली बार ही देख रहे हैं। किस तरह का काम काज अभी चल रहा है आपका यहाँ पे? मानसर जो है लेक बंद है, पार्क बंद है। अभी काम क्या चल रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी जीरो बैठे हैं ऐसे ही। तो किस उम्मीद से आप बैठे हैं यहाँ पे दुकान खोल के? क्या लग रहा है आपको, कोई कस्टमर आएगा आपके पास? कस्टमर कौन आएगा, दुकान तो थोड़ा देखेंगे ना, उसको भी 2 मिनट करना पड़ेगा ना, उसकी हालत भी तो खराब हो गई है, बैठने लायक भी नहीं रही है अंदर। क्या मांग करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? अभी जिस तरह से कहा यह भी जा रहा है कि टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो भी खोले जा रहे हैं, तो क्या मांग करेंगे? मांग क्या करेंगे, और टूरिस्ट आएगा, बाकी हमारा जो दुकानों का लॉस है उसका थोड़ा फायदा होगा हमको, और क्या है। कंपनसेशन की मांग करते हैं तो और क्या करें। 6 महीने से कोई काम धंधा नहीं है, देख लो दुकानों की हालत देखो। खबर दे रही है थोड़ी, हमारे जरूरी है जनाब, बिजली का बिल भी 6 महीना जा रही है, दुकाना बंद, देखो फ्रिज हालत देखो। 70 साल की कमाई की थी है ना। 70 साल है करी है कमाई, बैटरिया भी इन्वर्टर खराब हुई है। मेरा नाम राहुल गुप्ता। राहुल जी, कब से आप यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? मैं सर हो गया कोई 10 साल, पापा तो ज्यादा हो गए, मैं 10 साल हो गए। आपकी खुद की दुकान है यहाँ पे? मेरी खुद की है। तो कितना यहाँ पे नुकसान जो है इस बंद होने की वजह से हुआ है आपको? सर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं दुकानों की हालत। आज मैं आया हूँ, तारे तूने सब टूट गए हैं, फ्रिज खराब, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भैया। तो अब जहाँ ये कहा जा रहा है कि टूरिज्म जो स्पॉट्स हैं वो खोले जाएंगे, तो क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग है सर, जो 6 महीने से हमारा दुकानें बंद हैं, बिजली का बिल भी 3-3, 4-4 हज़ार आ गया, हमने 1 रुपये का काम नहीं, फ्रिज तक नहीं लगाए, तो सरकार को सोचना चाहिए सर हमारे बारे में थोड़ा कुछ। तो कंपनसेशन की मांग करते हैं? हाँ सर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जी। 1 रुपये का हमें कोई काम नहीं, ऊपर से बैंक लोन का पहले का सिस्टम वो ऐसे बने हैं, तो अभी कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। मानसर में 6 महीने से दुकानें अभी बंद हैं, देखो 8-8 70 रुपये। कोई गाहक नहीं, गाहक कोई नहीं है, ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
तो देखा आपने, ये जो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की, और बातचीत में जिस तरह से इन्होंने मांग की है कि इस जो पार्क है, जो मानसर जो पार्क है, जो लेक है, इसका जो दरवाज़े हैं उसको खोल दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोगों ने मांग की है कि इसको जल्द से जल्द खोल दिया जाए ताकि ये जो लोग इस पर निर्भर करते हैं उनका रोज़गार जो है वो लग सके। और आपने देखा कि किस तरह से एक दुकानदार का जो है काफ़ी सारा सामान जो है वो सड़ गया, और वो कारण यही था कि उसकी दुकान जो थी वो बंद रही, और बाकी सारे लोग भी हैं उनका भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, और उनकी मांग है कि उनको जो है कंपनसेशन दिया जाए। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से जो जोड़े होते हैं जिनकी नई नई शादी होती है, वो लोग जो है बड़े शौक से यहाँ पे मानसर लेक आते थे और यहाँ पे जो है यहाँ पे घूमते फिरते थे, और कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस की वजह से जो है यहाँ पे जो एक तरह से एक नज़र लग गई इस मानसर लेक को, और इसको जो है पूरी तरह से बंद करना पड़ा। और अब जो है लोगों की मांग ये है कि इसको पार्क को जो है दोबारा से खोला जाए, और ताकि जितने भी लोग यहाँ पे निर्भर थे इस पार्क पे, इस टूरिज्म पे, उनको जो है फिर से रोज़गार मिल सके। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो मछलियाँ आप सब देखने के लिए यहाँ पे आते थे, वो किस तरह से यहाँ पे जो है इनका जो आप नज़ारा देखेंगे काफ़ी खूबसूरत जो है मन को मोह लेने वाला नज़ारा आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, किस तरह से ये मछलियाँ जो हैं ऊपर की तरफ देखती हैं। और जब यहाँ पे पहले टूरिस्ट आता था, यहाँ पे जो आटा इनको खिलाया जाता था, अब कहीं ना कहीं जो है उस आटे को जो है इनको मछलियों को खिलाना जो है बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे किस तैदाद में यहाँ पे ये मछलियाँ जो हैं इकट्ठी हुई हैं और अपना मुँह खोल के देख रही हैं कि कुछ खाने को शायद यहाँ पर मिल जाए। हालाँकि वो चीज़ें सब यहाँ पर बैन कर दी गई हैं, और आने वाले समय में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आटा वगैरह जो है इनको आपने डालना नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये मानसर लेक जो है काफ़ी मनमोहक नज़ारा यहाँ पर आप देखेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहां का जो है दृश्य अपने स्क्रीन्स पे देख पाएंगे और इसका आनंद जो है आप ले पाएंगे। लगाने क्यों नहीं लगाने लगाने आज इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप न्यूज़ सर इंडिया के साथ। मैं अरफाज़ अहमद डैंग न्यूज़ सर इंडिया के लिए, मुमताज़ तांत्रे के साथ।